जय हिंद दोस्तों, बताइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बिना पढ़े गणित में 95% कैसे लाएं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ला सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आज के वीडियो में कंप्लीट हम आप लोगों को मैथ्स में कैसे 95% लाया जाता है ए टू जेड जानकारी देंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, बिना पढ़े गणित में 95% कैसे लाएं, ये तो आप लोगों को हम बताएंगे ही बताएंगे। साथ ही साथ हमको ये बता दें आप लोगों को, अगर आप गणित से डरते हैं, क्या आप गणित से डरते हैं? तो जी हाँ, अगर आप लोग गणित से डरते हैं तो अब आप लोगों को गणित से नहीं डरना है, क्योंकि आज का जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी तरीका होगा, वो आज समझ लेते हैं तो फिर आप लोग मैथ्स में अच्छा नंबर ले आइएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट होंगे, जो भी हैं। वैसे फिलहाल अभी तो हम यहाँ पर क्लास 10th के लिए बतला रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका एग्जाम 14 या 21 फरवरी को है तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग मैथ्स में अच्छा नंबर भी ले आइएगा और कभी भी असफल नहीं होइएगा, ठीक है। तो गणित में कुछ नहीं आता है, हम मान के चलते हैं कि गणित में आप लोगों को कुछ नहीं आता है, फिर भी आप लोगों को नहीं घबराना है, ठीक है ना। चलिए अब गणित में कॉपी कैसे लिखें, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए गणित का कॉपी तो सभी कोई लिखता है, लेकिन जो सही तरीका है वो क्या होता है, उसको भी हम आगे समझेंगे। गणित में क्या क्या पूछा जाता है दोस्तों, आप लोगों को कंप्लीट बताएंगे। देखिए कुछ ऐसा टॉपिक है जो हर साल पूछा जाता है, और उसी टॉपिक को पढ़ के आप लोग पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो केवल 5 मिनट इस वीडियो को देखिए, क्योंकि 5 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन 5 मिनट के आज का वीडियो अगर देख लेते हैं तो बहुत ही आप लोग चीज समझ जाएंगे और अच्छा मार्क्स ले आएंगे। क्योंकि 5 मिनट में आप लोग एक गाना सुन लेते हैं, लेकिन केवल 5 मिनट आज का जो टॉपिक है ये समझ लीजिए, क्योंकि 95% मार्क्स अचीव करना है आप लोगों को इस बार, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, अब आप लोगों के पास अंतिम मौका है, और अंतिम मौका को व्यर्थ ना जाने दे। जो भी शेष दिन 15 से 20 दिन बच गया है, इस 20 दिन पढ़कर आप लोग गणित में 95% ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट है, पहले उसको समझेंगे। दोस्तों आज का जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं भी पता होता है, तो अभी आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए कि क्या क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम डेट जो है, आप सभी का एग्जाम डेट, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट का, यानी कि जो अगर बिहार बोर्ड से है उनका 14 फरवरी को होगा, और जो यूपी बोर्ड से है उनका 21 फरवरी को होगा, ठीक है। तो दोनों स्टूडेंट के लिए है, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, दोनों स्टूडेंट के लिए होगा, ठीक है। चलिए अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुल प्रश्नों की संख्या कितना रहता है, तो 138 रहता है, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 30 क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाला यानी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, और 8 जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये टोटल 138 क्वेश्चन रहेगा, क्लियर है। चलिए आपको इसको बनाने के लिए समय कितना दिया जाएगा, समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट, ध्यान से देख लीजिए, 3 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा, जिसमें 15 मिनट समय आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, और इस बार भी आप लोगों को दिया जाएगा। टोटल पूर्णांक की बात करें तो टोटल पूर्णांक आपका 100 मार्क्स का होता है, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा, यानी मैथ्स का पेपर, ठीक है। और यही अगर बता दें यूपी बोर्ड के लिए, तो यूपी बोर्ड का जो होगा पेपर वो 70 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा? 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। 70 मार्क्स का यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, दोनों स्टूडेंट के लिए है, गौर से समझिएगा, ये चीज आप लोगों को पता होगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आप लोग बेवजह वीडियो को लंबा कर रहे हैं, लंबा नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि 20 स्टूडेंट को पता हो, 5 को नहीं पता हो, लेकिन मेरे लिए तो सभी स्टूडेंट बराबर है, सभी को लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए नोट पॉइंट में क्या लिखा है कि ऑब्जेक्टिव जो है ओएमआर सीट में भरना होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आप लोग ओएमआर सीट में भरेंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, अब जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट है उसको हम समझते हैं। आइए दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि परीक्षा में 2 पेन,
एक काला पेन एक नीला पेन का उपयोग करना है जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये चीज हमको मालूम है, लेकिन एक ही बात को हम बार बार नहीं समझाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट या तो काला से ही लिख देते हैं या नीला से ही लिख देते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्जामिनर नंबर काट लेता है। ठीक है, तो आप जब कभी भी लिखिएगा तो दो पेन का उपयोग कीजिएगा, एक काला पेन का करना है एक नीला पेन का करना है। उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे। और देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि जब आप मैथ्स का पेपर देने के लिए जाइएगा तो अपने साथ में औजार बॉक्स लेकर जाइएगा। औजार बॉक्स जैसा कि आप लोग जानते हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो होता है उसमें सभी चीज ले जाना अनिवार्य है, अगर नहीं ले जाते हैं तो हम समझेंगे कि आप लोग मैथ्स में बिल्कुल कमजोर हैं। तो एग्जाम देने के लिए जब मैथ्स का पेपर जाइएगा तो औजार बॉक्स लेकर जाइएगा। और साथ ही साथ हम बता दें औजार बॉक्स के अंदर सारा चीज होना चाहिए, जैसा कि परकार होना चाहिए, रबर होना चाहिए, चिपटी होना चाहिए, कटर होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, सभी चीज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर सभी चीज लेकर जाते हैं तो आपको वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो बनाइए उसमें पेंसिल से बनाना अनिवार्य होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है पेन से ही बना देते हैं जिसके कारण से नंबर काट लिया जाता है, जो अभी इंपॉर्टेंट है उसको समझिए। देखिए हम बता दें कि कॉपी लिखते समय आपको 3 से 4 पेज में काट पीट कर बिल्कुल भी इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से आप लोगों को काट पीट ज्यादा नहीं करना है। देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपका शुरुआत अच्छा है तो आपका लास्ट भी अंत जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तो काट पीट कर नहीं लिखना है। उम्मीद करेंगे कि रूल नंबर फर्स्ट जो भी था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो यहां पर हम बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 100% आप लोग ध्यान करके ले जाइएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा जो मेन टॉपिक है कि आप लोगों को 95% कैसे लाना है, तो रूल नंबर सेकेंड को समझते हैं। आइए दोस्तों रूल नंबर सेकंड को देखिएगा। देखिए जैसा कि आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एंड लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 रहेगा, इसमें से आपको केवल 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन 30 पूछा जाएगा, इसमें से आपको 15 क्वेश्चन बनाना है। लॉन्ग क्वेश्चन 8 रहेगा, इसमें आपको 4 ही क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, 50 और इधर देख लीजिए दो नंबर का रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन, तो 30 नंबर ये आपका हो गया 30 नंबर। ठीक है, और यहां पर 4 क्वेश्चन बनाइएगा तो 20 नंबर। अब देखिए 30 20 50 और 50 100 नंबर का हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आपको अभी ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बता रहे हैं, अभी केवल आपको बताएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कि इसमें आपको क्या पढ़ना है और कौन सा ट्रिक लगाना है। सबसे पहले हम बताएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए हम बता दें कि शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, सबसे पहले भाषा वाला प्रश्न बनाना है। दोस्तों भाषा वाला प्रश्न में क्या होता है कि उसमें केवल आपको फिगर से देखना है और उसी में से लिखना है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया रहता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 या √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसमें है क्या, केवल आप लोगों को भाषा अपने मन से लिखना है। तो भाषा वाला अगर क्वेश्चन मान लीजिए 5 नंबर का रहेगा तो उसको अगर बना के आते हैं तो 3 नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है, अगर शांत और शांत है तो वो पढ़ लीजिए आपके पास, और आप लोग कहिएगा तो इस पर एक वीडियो भी बनाकर देंगे सभी टॉपिक पर। ठीक है, केवल कॉमेंट कीजिएगा क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा देंगे जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। विलोपन विधि हर साल पूछा जाता है, प्रतिस्थापन विधि हर साल पूछा जाता है, द्विघात समीकरण से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, एपी पढ़ लीजिए समांतर श्रेणी इससे भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लीजिए। भैया 1 2 3 4 5 6 चैप्टर का क्वेश्चन कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। और हम बता दें अगर इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो 14 नंबर आपका पक्का हो गया, यहां से 14 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। हम एक ठो आंकड़ा लेकर चलते हैं 14 नंबर, लेकिन इससे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है तो 14 नंबर आपका कवर हो गया। ठीक है, ये जितना भी चैप्टर बताए हैं इसको कवर कर लीजिएगा, क्लियर है। चलिए अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। अब देखिए आपके सामने है लॉन्ग क्वेश्चन का जो तरीका क्या होता है, इसमें भी सबसे पहले आपको भाषा वाला क्वेश्चन बनाना है। भाषा वाला क्वेश्चन जैसे कि वृत्त पर आ जाता है कि 1 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचिए, और वहां पर आपको रचना वाला जो क्वेश्चन रहता है उसको, वहां पर क्या होता है कि केवल आप लोग फिगर बनाइएगा और फिगर में जो भी दिया है उसको लिखिएगा, जो दिया है प्रमाण में और सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। केवल भाषा वाला क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि भाषा वाला क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको रचना से 5 नंबर का रहेगा, त्रिभुज से 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, वृत्त से 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। रचना में भी आपको भाषा वाला क्वेश्चन बनाना है, त्रिभुज में भी प्रमेय अगर दे दिया जाए तो प्रमेय बना लेना है, थेल्स प्रमेय हो या पाइथागोरस प्रमेय हो, वृत्त में जो भी चैप्टर है उसमें बनाने वाला आता है, ये सारा चीज आपको पेंसिल से बनाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
फिर देखिए ग्राफ हर साल 5 नंबर का आता है और इस बार भी आएगा, क्लियर है। त्रिकोणमिति से 5 नंबर आप लोग आसानी से बना सकते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा जरूर त्रिकोणमिति से। माध्य, माध्यक और बहुलक, ये 5 नंबर का आपका हर साल पूछेगा, तीनों में से कोई एक पढ़ के जाइएगा, तीनों में से कोई एक पढ़ के जाइएगा, एक आप लोगों को मिल ही जाएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा सांख्यिकी से और एक शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां से अगर आप लोग इतना तैयार कर लेंगे, अभी शेष जो भी 15-20 दिन समय है आप लोग कर सकते हैं, और इस यहां से अगर ये सारा तैयार करते हैं तो 20 नंबर कवर हो गया। तो देखिए 20 नंबर ये और 14 नंबर ये, 34 नंबर तो आपका ऐसे यहां से आ गया, ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो लास्ट जो है उसको हम समझते हैं। देखिए हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज नोट में, देखिए ग्राफ रचना वृत्त वाला प्रश्न हमेशा पेंसिल से बनाना है, जैसा कि हमने आपको पीछे भी बताया था। ये सारा चीज अगर पेंसिल से बनाते हैं तो 5 में 5 नंबर मिलेगा, अगर पेन से बनाते हैं तो आपको 2 ही नंबर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा पेंसिल लेके जाना है, ग्राफ भी आपको पेंसिल से बनाना है, रचना में भी पेंसिल से बनाना है, और वृत्त वाला प्रश्न हो उसमें भी आपको बनाना है पेंसिल से, ठीक है। और इस तरह से अगर बनाएंगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है। और इतना अगर कर लेते हैं अंतिम के समय में, और देखिए भाषा वाला क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं कि ट्रिक से कैसे बनाया जाता है तो आप लोग एक बार कॉमेंट कीजिएगा। वैसे तो हम एक वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे होंगे, हम आप लोगों को फिर से एक वीडियो बना के देंगे, क्योंकि अंतिम के समय में आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का सारा कवर हो जाएगा, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस बार बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आइएगा, 95+ करके आना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तुक्का कैसे लगाया जाता है इसका भी हम ट्रिक बता दिए हैं, 100% सक्सेस होगा, 50 अगर बनाएंगे तो 40 आपका निश्चित रूप से सही होगा। इसका वीडियो बन चुका है, नहीं है आपको पता है, नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पर देख लीजिएगा। तो एग्जाम देने के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा हो, मेरे ऑल फ्रेंड जितने भी हैं सभी को हम कह रहे हैं, ठीक है। इस बार आप लोग अच्छा से नंबर लाइए और अपने माता पिता का, अपने टीचर का नाम रोशन कीजिए। उम्मीद करेंगे कि इस 15-20 दिन में आप लोग जरूर तैयारी कीजिएगा, और इस बार मैथ्स को धो देना है, सारा कंप्लीट करके जाना है, 95 करके आना है। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं सारा चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे द्वारा जितना भी वायरल पेपर और मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स आप लोगों को मिलता रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।